हर जगह मोदी जी को दोषी ठहराना चाहते हैं। अरे आप लोग पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आप लोग समझ सकते ना है कि आज तक जो काम नहीं हुआ मोदी जी कर दिए। भाजपा उठता है तो मोदी जी लगे नहीं जाता है, करना चाहिए ना। घर बनवा दिया आप लोग, हम लोग के कहा तो घर बनवाए हैं, वोट बैंक बना लिया है हम लोग। कार्रवाई इसके लिए अधिकारी दोषी है, इसके लिए मोदी जी प्रधानमंत्री दोषी नहीं है, इसके लिए सीओ दोषी है, बीडीओ दोषी है, इसके लिए एसडीओ दोषी है। एमओ के पास गए एक बार इंटरव्यू लेने के लिए, एमओ के लिए जाना हमारा काम है, का है आप पब्लिक के पास दिखाना, जनता को आपको रिपोर्ट मिल रहा है ना कि गलत कर रहा है, तो बोल ले रहा है। सब अलूल जलूल सवाल उठाते हैं मोदी जी पर, एक दो सवाल करते हैं, सवाल सीओ पे होने चाहिए। सवाल लोग ना बोल रहे हैं जी, कहाँ आई थी लोग भाग रहे हैं, मोदी जी दिखाई दिए ना, मोदी जी खाली अपने लिए भाषण करते हैं लेकिन हम को लोग के लिए नहीं किए, हम लोग जीविका के लिए थे। हाँ जीविका के लिए कहाँ बात किए, कुछ किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, हमको मिलना है मोदी जी अपना ही कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, नहीं देंगे तो मोदी जी हार भी सकते हैं, नहीं देंगे। हम लोग का कुछ अधिक बना लिया है, वोट बैंक हम लोग का, घर बनवा दिया आप लोग, हाँ हम लोग के कहा तो घर बनवाए हैं, वोट बैंक बना लिया है हम लोग का, घर है हम लोग का, घर है खगड़ा से घेर के रह रहे हैं, कुछ दे रहे हैं हम लोग के, सब गरीब के घर बनवा दिए, कहाँ गरीब के घर बनवा दिए, कौची हमको दे दिए, चलिए तो हमको भी देखिए तो कैसे कर रहे हैं। अमीर लोग ले लेता है, ऊपर से नीचे तक है, घर मिल गया है, घर मिल गया है, जो बोला का जो झूठ मत बोलवा करेगा, उसको तो रुपया मिल रहा है तो बोलेगा नहीं, कुछ नहीं हमको दिया है, हम खगड़ा तान के रह रहे हैं, हमने के घर है, इतना करोड़ पैसा दे रहे हैं लेकिन हम लोग कैडर को कुछ नहीं कर रहे हैं, राशनों दे रहे थे, राशनों में से काट ही रहे हैं, अमित शाह से कंप्लेन करना चाहिए ना कि 5 किलो आदमी पर का किलो वोट के लिए आए हैं कि हम लोग के लिए आए हैं, नजदीक आ गया तो वोट नहीं कर हम लोग दानापुर विधानसभा से आए, नामजी चकमंडल से आए हैं, दानापुर से आ गए हैं, हाँ हाँ, अमित शाह जी को एकदम 400 पार लगाने के लिए नहीं, 33% आरक्षण देने का काम भाजपा ने दिया है, और पहले मध्यम नागरिक बनाने का काम किया मुर्मू जी को, एकदम समर्थन है, वित्त मंत्री महिला है हमारी पहली, ये भारत का देन है कि भाजपा का देन है, गरीब महिला समर्थन नहीं, सबको राशन फ्री मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड है, जनधन योजना है, आवास योजना है, क्या नहीं मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा, मोदी जी के द्वारा स्वास्थ्य सब चीज मिल रहा है, एक बताए लोग कि 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें भी 2 किलो कटौती नहीं कटौती है, केंद्र सरकार से पूरा मिल रहा है, कार्रवाई क्या करेगा, डीलर चोरी कर रहा है इसमें, मोदी जी को थोड़ा गलती है इसमें, हर जगह मोदी जी को दोषी ठहराना चाहते हैं। अरे आप लोग पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आप लोग समझ सकते ना है कि आज तक जो काम नहीं हुआ मोदी जी कर दिए, भाजपा उठता है तो मोदी जी लगे नहीं जाता है, करना चाहिए ना, कार्रवाई इसके लिए अधिकारी दोषी है, इसके लिए मोदी जी प्रधानमंत्री दोषी नहीं है, इसके लिए सीओ दोषी है, बीडीओ दोषी है, इसके लिए एसडीओ दोषी है। कई बार गए एमओ के पास इंटरव्यू लेने, एमओ के पास गए एक बार इंटरव्यू लेने के लिए, एमओ के लिए जाना हमारा काम है, का है आप पब्लिक के पास दिखाना, जनता को आपको रिपोर्ट मिल रहा है ना कि गलत कर रहा है, तो बोल ले रहा है, सब अलूल जलूल सवाल उठाते हैं मोदी जी पर, एक दो सवाल करते हैं, सवाल सीओ पे होने चाहिए, सवाल लोग ना बोल रहे हैं जी, सवाल वीडियो से होना चाहिए, सवाल कहाँ महिला बोल रही थी, कहाँ महिला एक बोल रही है, कहाँ पब्लिक एक बोल रहा है, लड़का मैट्रिक में पढ़ता है तब इंटर में नाम लिखाता है, 8वां पास करता है, 9वां पास करता है, स्टेप बाय स्टेप सवाल है, सवाल जो सीओ का सवाल है प्रधानमंत्री से कीजिएगा, सीओ का सवाल प्रधानमंत्री थोड़ा हो रहा है, आम जनता के सवाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर अमित शाह आए हुए थे और काफ़ी लोग तो देख सकते हैं यहाँ से निकल रहे थे, और हम इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग जो है कहाँ आए हुए थे, कुछ लोग विरोध भी कर रहा है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहा है, बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहिएगा अमित शाह के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक आवाज़, और मैं उषा अवराज, बहुत बहुत धन्यवाद।